Myself, Arvind Kumar Dubey, teacher of English at Godavari Academy of Science and Technology, Chhatarpur, MP. Students, today I am going to teach you a poem. Its title is Anger. आज हम आपको एक poem पढ़ाते हैं जिसका शीर्षक anger है, गुस्सा. Oh, anger is an ugly thing. अरे, anger जो गुस्सा है, एक बहुत बुरी, भद्दी और क्रूर वस्तु है. And spoils the fairest face. और बर्बाद कर देती है. Spoil का मतलब नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना सुंदर से सुंदर चेहरे को. Fairest, fair, fairer, fairest. Superlative degree is used. It comes like a rainy cloud. गुस्सा ऐसे आती है जैसे वर्षा वाले बादल सूर्य के ऊपर छा जाते हैं. यहाँ पर उपमा दी गई है. जब हम दो भिन्न वस्तुओं की तुलना करते हैं और वहां पर एक पॉइंट दोनों में कॉमन होता है उसको सिमिली कहते हैं या उपमा कहते हैं. और अंग्रेजी में उपमा देते समय एज, लाइक और सो का प्रयोग करते हैं. यहाँ देखें आप कि जो गुस्सा है वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात देशों में ऐसे आती है जिस तरीके से जब सूर्य उगा होता है. ठंडों में जब सूर्य उगता है तो लोगों को सूर्य बहुत अच्छा लगता है. और उसी समय सूर्य के ऊपर कौन छा जाते हैं? बादल छा जाते हैं और पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी हमें दिखाई नहीं देती या उसकी जो गर्मी है वार्मिंग महसूस नहीं हो पाती. तो क्लाउड ऑब्स्ट्रक्ट करता है सूर्य को पृथ्वी पर प्रकाश आने के लिए. और कमल थीटा इज एडेड हियर सफिक्स यानी प्रत्यय थीटा जो जोड़ा है ओल्ड इंग्लिश वर्ड है. Upon a sunny place. One angry moment often does. गुस्सा में कभी कभी हम एक ऐसी बात करते हैं what we repent for years. जिसका हमें कई वर्षों तक पश्चाताप करना पड़ता है. Repent means पश्चाताप करना. It works the wrong. गुस्सा इतना गलत करती है we never make right. जिसको हम कभी सही नहीं कर पाते. By sorrow or by tears. चाहे हम जितना दुख प्रकट करें चाहे हम जितना आंसू बहाएं. द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक एंड वार्म. शांति जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत ही फ्रैंक है, जोशीली है. एंड सॉफ्ट एज रिंग डॉव्स वंग. और इतनी मुलायम है जितने की कबूतर के पंख होते हैं. एंड ही हु क्वाइल्स एन एंग्री थॉट. एक ऐसा व्यक्ति जिसने गुस्सा वाले विचारों को रोक लिया. क्वाइल्स मीन्स रोक लेना, अंग्रेजी में टू स्टॉप. Is greater than a king. वह राजा से भी क्या है, बढ़कर है. Ever remember, हमेशा याद रखें इन योग तेवावस्था में that he who firmly tries to conquer, conquer means होता विजय करना, and to rule himself. एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप पर शासन करता है, अपने आप पर विजय हासिल करता है, is noble. वो बहुत ही अच्छा है, बहादुर है और बुद्धिमान है. Thanks, see you tomorrow.